गाइस आज मौसम ने दिया साथ तो हम भी चले गए मोमोज खाने। आइए बताता हूँ आज क्या हुआ। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी सोला वुल्फ। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और गाइस आज आ गया फ्राइडे और मौसम गाइस आज भी काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो रखा है। तो अभी मैं आपको मौसम के हाल दिखाऊंगा। लगभग अभी 10 बजे हैं गाइस, मैं उठाऊँ थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करूंगा, फिर देखेंगे हम क्या करेंगे, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए गाइस मैं अभी आपको मौसम के हाल दिखा देता हूँ। उसके बाद गाइस कुछ इस तरीके का सुहाना आज भी मौसम हो रखा था। काफ़ी दिनों से सुहाना मौसम हो रखा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद गाइस हमने किया अपना थोड़ा सा ऑफिस का काम। थोड़ा ऑफिस का तो काम मैंने कर लिया था और अब मैं करने जा रहा हूँ अपनी वीडियो को एडिट और अपने ब्लॉग को अपलोड। तो गाइस अगर अभी तक आपने उसको चेकआउट नहीं किया है तो अभी जाकर मेरे चैनल यूपी सोला वुल्फ से उसको चेकआउट करें। ऑफिस का तो काम मैंने थोड़ा कर लिया था खत्म और अब मेरा ब्लॉग भी कर दिया था अपलोड। तो गाइस अभी मैं होने जा रहा हूँ रेडी, क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम है और फिर हम जाएंगे थोड़ा बाहर घूमने के लिए। मिलता हूँ गाइस फिर आपसे थोड़ी देर बाद। हम एकदम हो गए हैं रेडी, पर मौसम जो है गाइस शायद कुछ आज और ही चाह रहा है। एकदम बादल आ गए हैं। अभी जब मैं रेडी होने जा रहा था तो धूप निकल रही थी, पर मैं आपको दिखाऊंगा कि चारों तरफ बादल आ गए। तो थोड़ी देर हम बादल में छटने का वेट करते हैं, फिर मैं आपको फिलहाल मौसम दिखा देता हूँ कैसा है। उसके बाद गाइस अचानक से मौसम ख़राब हो गया, चारों तरफ जो है काले काले बादल छा गए, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। सुबह काफ़ी सुहाना मौसम था पर अचानक से बारिश का मौसम हो गया। थोड़ा सा हमने वेट किया तो मौसम हो गया था थोड़ा सा क्लियर, तो अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो चलिए गाइस चलते हैं। तो उसके बाद गाइस कुछ इस तरीके का सुहाना मौसम हो गया था और जो सूरज की किरणें बादलों से ऐसे आ रही थी तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। उसके बाद गाइस हम जो है मौसम का मज़ा लेते हुए बाहर की तरफ मार्केट की तरफ चल पड़े और कुछ इस तरीके का सुहाना गाइस मौसम हो रखा था। फिर हम जो है स्टेशन पर पहुँचे तो हमने जो है टॉय ट्रेन को देखा, फिर थोड़ा और आगे क्योंकि भट कर चले गए तो स्टेशन से कुछ नज़ारा इस तरीके का लग रहा था। कंचनजंगा रेंज तो आज नहीं दिख रही थी गाइस यहाँ से, क्योंकि मौसम जब एकदम क्लियर होता है वो तभी वहाँ से दिखती है। उसके बाद गाइस हम जो है नीचे की तरफ मार्केट में चले गए, तो हमने सोचा क्यों ना आज जो है यहाँ का लोकल मार्केट ही एक्सप्लोर करा जाए। तो हम जो है यहाँ के लोकल मार्केट की तरफ आगे बढ़ते चले गए और जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पर गाइस काफ़ी सारी दुकानें थी, सुनार की कुछ दुकानें थी, खाने पीने की दुकानें थी, कपड़ों की भी दुकानें थी। उसके बाद गाइस हम जो है बीच गली में चले गए, तो बीच गली गाइस यहाँ की जो है लोकल मार्केट है, जहाँ पे जो है सारा सामान आपको मिल जाता है खाने पीने का, सब्जी का। उसके बाद गाइस हमें लग गई थी भूख तो हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे हमने खाए मोमोज़ और उसके बाद खाया थुपका गाइस, और खा पी कर गाइस फिर जो है हम नीचे की तरफ चल पड़े। फिर गाइस थोड़ी देर हमने चौरस्ते में बैठे थे तो हमें वहाँ पे एक बेकरी की शॉप दिखी, तो वहाँ से गाइस हमने जो है बर्गर खाया। काफ़ी दिनों से यहाँ पे हमने बर्गर नहीं खाया था तो काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पे बर्गर खा के चौरस्ते में बैठ के मस्त। उसके बाद गाइस हम जो है माल रोड पर गए, माल रोड पर हम नीचे, उसके बाद गाइस नीचे आते हुए हमें दिखा क्लॉक टावर, और ये भी काफ़ी रात को अच्छा लगता है क्योंकि लाइटिंग वगैरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। उसके बाद गाइस हम नीचे की तरफ आए, फिर हम जो है स्टेशन पहुँच गए थे और फिर फाइनली गाइस हम वापस घर आ गए। बाहर से घूम फिर के और खा पी के हम आ गए घर वापस और हो गया काफ़ी लेट। तो मैं इस बार से घूम फिर के खा पी कर हम आ गए घर वापस और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, लगभग 4-5 घंटे हम चले तो अभी थक गया हूँ। तो अभी गाइस करूँगा थोड़ा रेस्ट, तो मिलता हूँ आपसे थोड़ा रेस्ट करने के बाद। रेस्ट तो मैंने कर लिया था और हो गया हमें काफ़ी लेट, और खाना पीना तो गाइस हम बाहर से करके आ ही गए थे तो अभी भूख नहीं लगी है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही गाइस, आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। और गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यूपी सोला वुल्फ को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ।